आज वीडियो में जानने वाले हैं ओवन के बारे में, रिव्यू करने के बारे में जानने वाले हैं। ये हमारे पास देख सकते रहेंगे ओवन है, देख सकते रहेंगे इस पर ओवन, जैसा कि लोग जानते हैं खाना गर्म करना, कुक करना, कुछ भी पकाना कर सकते रहेंगे। यहाँ से ये इसका स्विच दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ स्विच है। ये ओवन एक्चुअली गैस और इलेक्ट्रिक दोनों पर वर्क करता है। अगर लाइट है तो लाइट पर भी इसे यूज कर सकते रहेंगे, अगर लाइट नहीं है तो इसे गैस पर यूज कर सकते रहेंगे। ये तीन नॉब दिया हुआ है, इसके बारे में हम समझते हैं। ये नॉब जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल पावर करेगा, ये भी इलेक्ट्रिकल पावर करेगा प्लस एक गैस पे वर्क करेगा। इसे चालू करेंगे यहाँ से, हीटर वगैरह जो ऑटोमेशन के अंदर जो हीटर लगा हुआ है, हीटर इसमें चलेगा और ये इलेक्ट्रिक पावर करेगा, खाना वगैरह पकाएगा। इलेक्ट्रिक नहीं है तो यहाँ से इसको नॉब को चालू करके यहाँ से आप इसको लाइट पर चला सकते हैं, गैस पर चला सकते हैं, गैस पर इसको चलेगा, गैस इसमें लगा हुआ है, गैस पर भी खाना पकेगा। और यहाँ से टाइमर दिया हुआ है, ये टेम्परेचर हिसाब से टाइमर वगैरह सेट कर सकते रहेंगे, कितना टाइम पे इसे चालू करना है, कितना टाइम तक इसे बंद करना है, या कितना टाइम तक कोई भी खाना पकाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा फूड आइटम है। हमने यहाँ से फुल कर दिया है, 250 सेंटीग्रेड पर रख दिया टेम्परेचर पर, और उसका टाइमिंग आधा घंटा, 5 मिनट पक जाएगा, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, यानी 55 मिनट तक टाइम दिया हुआ है, 55 मिनट तक ये खाना आपका पक जाएगा। तो यहाँ से टाइमिंग दिया हुआ है और ये इसका, तो अभी हम यहाँ से समझते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 130, ये जो हमारे दिया हुआ है 130, 140, 50, 150, 250 तक दिया हुआ, ये टेम्परेचर दिया हुआ, सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना टेम्परेचर इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल स्टैंड मोड पर है, तो हम इसे यहाँ से ऑन किया, देखिए ये हमारा हीटर, हवा और प्लस हीट दोनों चालू होगा, नीचे का हीटर चालू होगा और ब्लोअर चालू हो गया, ये फैन का एरो है, तो आवाज़ सुन सकते रहेंगे आप, यहाँ पर हवा आवाज आ रहा है, हवा का आवाज आ रहा है, यहाँ से हवा भी आ रहा है और ये कुक भी होगा, पकेगा भी, यानी कि इसके अंदर जो हवा रहेगा, हीटर चलता रहेगा और स्टीम होता रहेगा, साथ में दोनों होगा। उसके साथ ही हमें यहाँ टेम्परेचर देख सकते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए, टोटल इतना टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा, इसको सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो हमारा 250 सेंटीग्रेड पर आएगा ये बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरह से हो गया वर्क करेगा। तो इसको हम टेम्परेचर सेट करने के लिए है हमारा, कितना टाइम तक चाहिए, यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा कोई आइटम है उसको ज़रूरत है हमारा 150 सेंटीग्रेड पर पकेगा खाना, कोई भी चीज़ आइटम हो सकता रहेगा, बेकरी का फूड, केक वगैरह कोई चीज़ है, 150 टेम्परेचर उसको चाहिए, सेंटीग्रेड चाहिए, और उसका टाइमिंग है हमारा 20 मिनट 10 मिनट जो भी है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए टाइमर चालू हो गया, वो 15 मिनट में पक जाएगा 150 सेंटीग्रेड पर, यहाँ से हमने टाइमर सेट कर दिया और यहाँ से टेम्परेचर सेट कर दिया, तो अभी हमारा चालू हो गया टेम्परेचर, इसमें जो है कोई भी फूड आइटम है पकेगा 150 सेंटीग्रेड तक जाएगा और ये 10-15 मिनट रहेगा, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। तो टाइमर का बेसिकली काम यही रहता है, घुमा कर उसको आप सेट कर सकते हैं कितना टाइमिंग के लिए देना है पावर, यहाँ से हमारा जीरो हो गया, देखिए अलार्म आया और यहाँ से इसको हम बंद करते हैं। अच्छी चीज़ और यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ, यहाँ पर दिया है फैन और हीटर दोनों दिया हुआ, सिर्फ यहाँ से कर देते हैं यहाँ तो ये फुल लोड पर फैन और हीटर दोनों ऑन करेगा, ये कंडीशन में फैन और हीटर दोनों चल रहा है बस। यहाँ पे देख सकते रहेंगे, अभी ज़्यादा अंधेरा है, नहीं दिख रहा है इसके अंदर, लाइट चालू करके हम दिखाते हैं आपको, ये दोनों चीज़ हो गया फंक्शन। उसके बाद आता है ये हमारा, ये जो फंक्शन है गैस के लिए है, तो यहाँ पर सिर्फ इसके चालू करेंगे, देखिए ये हमारा लाइट चालू हो गया, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे ये मोटर है हीटर, यहाँ पर रखिए तो हमारा हीटर चालू, लाइट चालू हो गया, देखिए अभी इसमें बस लाइट चालू और कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से ये यहाँ पर रखेंगे तो लाइट चलेगा और इसमें जो हीटर अपना गैस है बोलो वो चालू हो जाएगा। ये देखिए गैस के लिए पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से जो है गैस निकलता है, देख सकते रहेंगे ये जो पॉइंट यहाँ पे गैस निकलेगा, ये गैस टाइप है, ये देख सकते रहेंगे यहाँ पर बर्नर दिया हुआ है, ओके, और अंदर जो है इसके लाइट दिया, स्पार्क दिया हुआ है, यहाँ से कुछ हीटर से वर्क करेगा। और यहाँ पर देखिए चालू किया हमने, फिर आगे किया, ये हमारा दोनों से फैन और अपना जो फ्लेम है दोनों रहेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो फैन चालू हो जाएगा, तो अभी फैन चालू नहीं, इसका टाइमिंग सेट है, टेम्परेचर हिसाब से सब कुछ सेट करेंगे तो हिसाब से वर्क करेगा, यहाँ पे सिर्फ लाइट रहेगा और वापस से बंद हो जाएगा, ये दोनों सेंटर में बंद हो जाएगा, यहाँ से टाइमर सेट चलता है। तो बेसिक जो है ओवन जो है इसी तरह से रहता है, अभी सकते रहेंगे, अगर इसके अंदर कुछ कुक वगैरह है करना है, खाना वगैरह पकाना है तो
तो चीज़ अलग रहता है, उसके आप कर सकते रहेंगे, सेट कर सकते रहेंगे। आप देख सकते हैं एक ओवन है जो काउंटर के साथ साथ में पूरा अंदर जो है सेटअप बैठा हुआ है, अंदर इंटरनली है। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, जानकारी मिला है। तो इसी तरह से होम अप्लायंस के बारे में जानने के लिए, नए नए इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी इस तरह से बनाएं तब कस वीडियो भेज सकें और आप भी सीख सकें, जान सकें, देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं ओवन के बारे में, ओवन का भी हमारा वीडियो बना हुआ है, बहुत से वीडियो बना हुआ है, ओवन किस तरह से वर्क करता है, कैसे यूज करते हैं, क्या रहता है इसके अंदर, पूरा डिटेल्स में सब कुछ पार्ट वीडियो बना हुआ है। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।